उत्तर प्रदेश में प्री मॉनसून की एंट्री, यूपी में भारी बारिश का सिलसिला जारी। लखनऊ से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक बारिश का असर, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। 4 से 5 दिनों तक यूपी में कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। लखनऊ में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में प्री मॉनसून की एंट्री, यूपी में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति भी है। लखनऊ में भी कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ एक और परेशानी लोगों के सामने, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लखनऊ में मौसम ने ली करवट। कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ में एक हफ्ते तक भारी बारिश होगी। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जताया गया कि एक हफ्ते तक लखनऊ में भारी बारिश हो सकती है। कल देर रात से ही लगातार लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम तो काफी अच्छा हो गया, लेकिन लगातार अगर बारिश होती रही तब परेशानियां लोगों की बढ़ सकती हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके में आज वेदर की एंट्री हो गई है। पिछले लंबे समय से लोग गर्मी से परेशान थे। तापमान लखनऊ की अगर हम बात करें तो 47 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। गर्मी से परेशान लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वेदर की एंट्री कब होगी। तो अगर हम बात करें तो देर रात से ही हल्की बारिश लखनऊ और आसपास के इलाके में हो रही है। मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया है कि आज जो है वो लखनऊ और आसपास के इलाके में भारी बारिश होगी और एक सप्ताह तक इसी तरह से वेदर बना रहेगा। इसी तरह से एक हफ्ते तक लगातार बारिश होगी। अगर हम बात करें सुबह बारिश की वजह से तापमान की, तो लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। और आज दोपहर से मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया है कि लखनऊ और आसपास के इलाके में जो है वो तेज बारिश होगी और इस बारिश का असर भी दिखाई पड़ेगा। ये भी तय होगा कि नगर निगम ने क्या तैयारियां कर रखी है राजधानी लखनऊ के लिए जल निकासी के लिए, क्योंकि जिस तरह से अनुमान एक सप्ताह तक भारी बारिश का लगाया गया है, ऐसे में अगर नगर निगम तैयार नहीं होगा तो तस्वीरें काफी भयावह होंगी। लखनऊ से जुड़े समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं हरदोई में बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन की पोल खोल दी है। बारिश से पहले ही नालों की सफाई करने के दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून की पहली बारिश ने हरदोई नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। पहली बारिश में शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, शहर की आवास विकास कॉलोनी में बने जल निगम के एक्सईएन के मकान में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे उनके कमरे में पड़ा बेड भी पानी में डूब गया। शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की ये तस्वीरें देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेनेज और नालों की सफाई के लिए नगर पालिका जो दावे करती है वो सिर्फ कागजी होते हैं और जमीनी हकीकत बहुत ही दयनीय है। ये तस्वीरें शहर के आवास